नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली से लौटने के साथ ही एक्शन में हैं। जो कुछ झारखंड में हुआ उसके बाद उन्होंने सख्त चेतावनी जारी की है। हेमंत सोरेन ने साफ कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पश्चिम सिंहभूम पहुंचे, जहां पर उन्होंने उन पीड़ित परिवारों से मुलाकात किया जिनके लोगों का सामूहिक नरसंहार हुआ। पीड़ित परिवारों से मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में किसी भी अपराधी को संरक्षण नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस घटना में जो भी शामिल लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। हेमंत सोरेन ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसको लेकर प्रशासन को हिदायत भी दे दी गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में इस घटना के द्वारा डर और भय का वातावरण बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलेगी। क्या कुछ कहा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, सुनिए इस पूरे बयान में। मेरी ओर से स्पष्ट ये हिदायत भी है, संदेश भी है, इस तरीके के या कोई भी आपराधिक घटनाओं को संरक्षण सरकार नहीं देगी। और इस घटना पर जो लोगों की संलिप्तता है उनको कड़ा से कड़ा सजा दिया जाएगा। कारण जो पर हमारा नज़र है, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि अभी हालात जो बने हैं यहाँ पर एक डर और भय का माहौल बनाने का प्रयास हुआ है, लेकिन इसमें सफलता लोगों को नहीं मिलेगी। और बिल्कुल निर्भीक होकर लोग जिए रहें। आज मैं उस पीड़ित परिवारों के बीच गया और काफ़ी मतलब जो माहौल था वाकई में काफ़ी दिल दहलाने वाला था। दोबारा ऐसी घटना ना घटे इसकी पूरी तैयारी प्रशासन करेगी, ये हमने उनको आश्वासन दिया।